not just one, it's many. The one and not just any. A car that's one of a kind. Leave all the world behind. In automatic, it's fun. In manual, it's the one. We'll take you miles and miles, make you wanna smile. It's fast and it's furious. Nothing else is a jazz. Nothing else is a jazz. चीज पे ना चलाना भाई वाह भाई वाह चल बेटा सेल्फी ले ले नमस्कार अंडमान लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों पर। पोर्ट ब्लेयर शहर के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में कल शाम फिर अस्पताल के कर्मचारियों के कथित लापरवाही के खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 तारीख की शाम को पुलिस की PCR वैन ने लंबा लाइन इलाके में दुर्घटना का शिकार हुए रामा राव नाम के एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था और उसे अस्पताल छोड़कर वो वहां से रवाना हो गए। रामा राव के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस के अधिकारियों ने जब रामा राव को अस्पताल छोड़ा तो अस्पताल के एक कर्मचारी ने रामा राव की सिर्फ ड्रेसिंग करके उसे वहां पर छोड़ दिया। परिवार वालों ने बताया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ड्रेसिंग के बाद भी रामा राव के सर से काफ़ी खून बह रहा है, जिसके बाद वो किसी तरह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, वो भी बिना वार्ड कर्मचारी की मदद से। हालांकि डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर साजी वर्गीश ने तुरंत मरीज का इलाज किया पर वो उसे बचा नहीं सके। नेशन लाइव से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के राज्य महासचिव अजीजुर रहमान ने बताया कि ये पहली बार नहीं है कि गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। अब ये जरूरी हो गया है कि प्रशासन इस पे गौर फरमाए। नेशन लाइव से इस बारे में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब बात करनी चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं थे। जब मेडिकल में लेके आया मेरे फादर को ट्रीटमेंट करने है जगह कली सर में और इसमें लगा के छोड़ दिया पट्टी जो दो जगह जहाँ छिला है 8 सिलाई है सर में उसको कोई नहीं देखा हाथ में 3 है सर में 8 है लोग जब आया तब देखा उस लोग कुछ नहीं करे नीचे पड़ा है आदमी बिना कपड़ा का पड़ा है उसको ऊपर के मेडिकल में कपड़ा नहीं है डालने के लिए हम लोग आने के बाद उसको उठा के जब ट्रीटमेंट के लिए जाते तो बोलते हैं भाई ड्रेसिंग व्रेसिंग होगी आप इसको घर लेके जाओ। अभी उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ऊपर शिफ्ट करना था वार्ड बॉय नहीं है भाई तब शिफ्ट करने के लिए वार्ड बॉय नहीं है हम लोग ढूंढते हैं कौन सा जगह लेके जाने। पुलिस वाला फोन किया था पुलिस वाला फोन करके ये बोला कि आपका फादर आके मेडिकल में तो हम लोग आके देखा तो ड्रेसिंग नहीं कुछ नहीं ऐसी कपड़ा भी ना कोना में पड़ा एक आदमी उसको उठाया नहीं ड्रेसिंग नहीं किया हम लोग उठा के बाद सिलाई किया 8 सिलाई हम लोग पूछा क्यों आप सिलाई पहले नहीं किया हम लोग देखा नहीं बोलता हम ड्यूटी में नहीं था बोलता और पुलिस वाला से पूछा तो बोलता एक आदमी लेकर के छोड़ के गया मैं लास्ट में गार्ड वाला बोलता है कि अभी फिर एक लापरवाही से जो है हॉस्पिटल का एक पेशेंट का जान चले गया है यहाँ इनका फैमिली मेंबर का कहना ये है कि जिस दिन इनके फादर को PCR यहाँ पर लाया और जीवन यहाँ पर लाने के बाद PCR छोड़कर चला गया यहाँ से उसके बाद है इसका अंदर में ड्रेसिंग रूम में जो बाहर से चोट दिख रहा था उसका ड्रेसिंग हुआ ड्रेसिंग करने के बाद ये लोग जो है बाहर छोड़ दिए यानी कि बेंच में भी नहीं बैठा है नीचे छोड़ दिया शायद अगर CCTV फुटेज देखने तो मालूम चल जाएगा क्या पिक्चर है। उसके बाद जब इनका फैमिली मेंबर 20 मिनट के बाद आया
तब उठाकर देखे तो उसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो फिर से उठाकर इसको अंदर लेकर गया ड्रेसिंग रूम में, फिर उसके सिर में तब जाकर 8 सिलाई लगा, 8 स्टिच। अगर वो ब्लीडिंग भी अगर ये तो एक लापरवाही, अगर उसको सही टाइम पे अगर उसका ब्लीडिंग रोक देते हैं और रात को अगर सिटी स्कैन हो जाता है इसका, तो मालूम चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है करके। यहाँ क्या है, रात को कोई भी एक्सीडेंट होगा लाकर छोड़ दिए तो अंदर कोई भी चोट लगा तो इमरजेंसी, अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा फैमिली का, अगर कोई रेकमेंड नहीं करेगा, कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता है तो यहाँ। उधर गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मदिन पे कल पोर्ट ब्लेयर शहर के सभी गुरुद्वारे पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रकाशोत्सव पे सूबे में सिखों ने गुरुद्वारे जाकर गुरु गोविंद सिंह साहब को याद करके मत्था टेका। इस दिन के आयोजन के लिए इस महीने की 3 तारीख से ही गुरु गोविंद सिंह के भक्तों ने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी और इस बीच कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का भी आयोजन शहर के हर गुरुद्वारे में किया गया। कल पोर्ट ब्लेयर शहर के पुलिस गुरुद्वारे में भी भारी भीड़ देखी, जहाँ श्रद्धालुओं ने लंगर का आयोजन किया था। साहब जी की पावन पवित्र हजूरी में समूह पोर्ट ब्लेयर और आसपास सभी आइलैंड की साथ संगत ने मिलजुल कर ये उपराला किया है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पावन 350वें पर्व उत्सव के उपलक्ष्य में आज गुरुद्वारा पुलिस गुरुद्वारा में 3 जनवरी से लेकर के 3, 4 और 5 जनवरी श्री अखंड पाठ साहब जी के पाठ करवाए गए और आज समाप्ति का दिन है। यह है गुरु साहब जी के शरण में दरबार हॉल में कीर्तन चल रहा है और नीचे लंगर हॉल में गुरु की संगत बड़े ही प्यार से लंगर छक रही है। मैं इस शुभ अवसर पर समूह साथ संगत प्लेयर और आसपास के आइलैंड सभी सिख नॉन सिख हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोगों को गुरुद्वारा की तरफ से लख लख बधाई देता हूँ। सबको शुभकामनाएं। परमात्मा ऐसे ही वाहेगुरु जी सभी को मिलाकर के ऐसे अवसर पे खुशियां बांटते रहे और सभी के मेल मिलाप से ऐसे ही प्रभ चलता रहे। बोले सोनिहाल। उधर जंगली घाट जेट्टी में आजकल ऐतिहासिक रॉस आइलैंड द्वीप जाने के लिए पहुंचे सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों को बेहद निराशा के साथ वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि बोट संचालकों ने पर्यटकों को रॉस आइलैंड ले जाने से मना कर दिया है। रॉस आइलैंड जाने से मना करने के लिए वो कई बहाने भी बनाते हैं, पर वजह कुछ भी हो इसका खामियाजा तो पर्यटकों को ही उठाना पड़ता है। इन दिनों अंडमान में पर्यटक का सीजन चल रहा है और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक जंगली घाट जेट्टी से रॉस आइलैंड भ्रमण के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बोट संचालकों के द्वारा एकाएक रॉस आइलैंड के लिए बोट बंद कर दिए जाने से टूर ऑपरेटरों को पर्यटकों को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। रॉस आइलैंड नहीं जा पाने से और इसके कारण अब तक पर्यटक संबंधित टूर ऑपरेटर से अपने टूर के पैसे भी वापस मांग रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते इस पूरे मामले को गंभीरता से ना लेते हुए पर्यटन निदेशक ने अमित आनंद ने नेशनल लाइव से कहा था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। इस बीच स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने इन मुद्दे पर द्वीपों के उपराज्यपाल और प्रशासन के मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग भी कर दी है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से पर्यटन मानचित्र पर अंडमान के पर्यटन की छवि खराब हो रही है। उधर टूर ऑपरेटरों की ये मांग है कि प्रशासन का जहाजरानी विभाग प्रतिदिन रॉस आइलैंड के लिए बोट चलाए ताकि निजी बोट संचालकों की मनमानी को समाप्त किया जा सके। एक अन्य टूर ऑपरेटर ने ये मांग की कि अपने लाभ के लिए पर्यटकों को परेशान करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से देश विदेश में अंडमान पर्यटन की छवि खराब हो रही है। परेशानी है सब और यहाँ का जो बोट का जो यूनियन है वो अपना मन मर्जी से चलाता है, जब भी अपना मर्जी होएगा वाइपर चलाएगा, रॉस चलाएगा, नॉर्वे चलाएगा। और रॉस आइलैंड बोलने से ब्रिटिश टाइम के अंडमान निकोबार का कैपिटल था, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। अभी 10 मिनट का स्थान देरी का पीछे उन लोग नहीं दिखा रहा है, टूरिस्ट को बहुत हरेसमेंट होता है और अंडमान निकोबार में टूरिस्ट हमेशा बार बार नहीं आता है, यहाँ बहुत महंगाई है, फ्लाइट का खर्च बहुत ज़्यादा है। सर हम लोग भी हो रहे हैं, पर्यटक को भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए 6 महीना 7 महीना साल भर का बुकिंग हम लोग पहले से लेके रखा हुआ है, उनको जो टूर का जो इटनरी दे रहे हैं हम लोग रॉस आइलैंड का, इन लोग अपना मनमर्जी से बंद कर दिया है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है बंद करने का, बंद ही नहीं है। हम लोग क्या है उनका जो 550 जो रॉस आइलैंड और नॉर्वे के लिए, लेकिन 550 रुपये में उन लोग खाली वाइपर और नॉर्वे दिखा रहे हैं, वाइपर रॉस आइलैंड बिल्कुल नहीं दिखा रहे।
और पूछने से बोल रहे कि हम लोग गौशालन बंद है, वहाँ का जो अर्बल जो जिप्टी है गौशालन में वो खराब हो चुकी करके बोल रहे हैं, लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन है। और रोज वहाँ पे गौशालन में जो है लाइटन साउंड के लिए जो है बोट जा रही है सरोज बोट, उतना बड़ा बोट वहाँ जा सकते हैं, तो बाकी बोट क्यों नहीं जा रहा? कुछ पहले से चल रहा है क्योंकि इसका जो रेट है, पहले यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बोट छोड़ता था जो कि गौशालन नॉर्थ पे लैंड, जो गौशालन सबसे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नजदीक होता था, तो अभी क्या यहाँ पे जो वेदर का जो कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बोट भी छूट गए, तो उन लोग क्या बोट वाले जो एडमिशन है उन लोग क्या जो ये टट्टी जो है वहाँ से अभी बोट चल रहा है, तो उन लोग क्या मतलब सबसे पहले जंगेर जट्टी से जो बोट छोड़ रहा है वाइपर नज़दीक पड़ रहा है वाइपर एंड और नॉर्थ पेलैंड, वो क्या करते हैं वाइपर एंड नॉर्थ पेलैंड का ट्रिप करके वापस ले गए थे। तो उनका कहना है कि रॉस उनका हम लोग उनसे पूछे कि रॉस एलैंड का आप क्यों ले जा रहे हो, बोलते वहाँ का हवा ख़राब है, तो इस वजह से बोट हम लोग नहीं बिठा सकते हैं, इस वजह से हम लोग वाइपर एलैंड और रॉस एलैंड लेके जा रहे हैं, रॉस नॉर्थ पेलैंड और वाइपर एलैंड लेके जा रहे हैं। तो इसका जो है मतलब जो डेली यहाँ पे लाइटन साउंड शो जो चलता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पुलिस ऑफिस जो टिकट देता है लाइटन साउंड का टिकट देता है वो टिकट देता है 200 कैपेसिटी का बोट जाता है जो कि उसका नाम है सरोज, वो जाता है जंगलेट से छोड़ता है रॉस एलैंड जाके आराम से शो दिखा के वापस लेके आता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है हम लोग डिमांड चाहता है कि जो भी पर्यटक जो सबका पैसा खर्च करके, क्योंकि अंडमान का जो फ्लाइट टिकट्स है काफ़ी महंगा है, क्योंकि पर्यटक अगर बोलता है कि यहाँ से अंडमान से ज़्यादा सस्ता पड़ता है बाहर जाए। उधर पोर्ट ब्लेयर शहर के मिडिल पॉइंट स्थित राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने आज अपना 104वां वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया। स्कूल के लगभग सभी छात्रों ने वार्षिक खेल दिवस में हिस्सा लिया और सिर्फ इतना ही नहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी इस दौरान कई खेलों में हिस्सा लिया ताकि वो भी खेल के प्रति बच्चों का मनोबल बढ़ा सके। स्कूल के 104वें वार्षिक खेल दिवस में पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बी ईश्वर राव मुख्य अतिथि थे और इलाके की पार्षद प्रतिमा बनर्जी सम्मानीय अतिथि थे, जिन्होंने सवेरे स्कूल के बच्चों का परेड भी देखा। वहीं शाम को वार्षिक खेल दिवस के दौरान शिक्षा विभाग के उप निदेशक सुमन देवी और एच नथैनियल मुख्य अतिथि थे। आज समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों ने खेल और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी बांटे। स्कूल के प्रधानाचार्य रीटा बनर्जी और बच्चों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक मणिकंदन का इस कार्यक्रम का आयोजन करने में एक अहम योगदान रहा। तो अंडमान लाइव के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खबरें आप दोबारा देख सकते हैं रात 10:30 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ नेशन लाइव पर। नमस्कार।